हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल कामरान जी। आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या एक्सटर्नल सोर्स का जो वॉच टाइम आपके वीडियो चैनल पे बढ़ता है, क्या उससे जो है आपके चैनल पे दिक्कत आ सकती है, अगर एक्सटर्नल कितना होना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा बताएंगे। मैं हूं आपका दोस्त कामरान और आप देख रहे टेक्निकल कामरान जी। यहां पे आपको सच्चाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैं यहां पे अपने यूट्यूब चैनल पे आ गया हूं और यहां पे एनालिटिक्स ऑप्शन में आपको दिख सकता है लेफ्ट साइड में, यहां पे एनालिटिक्स ऑप्शन में मैं आ गया हूं और यहां पे आप जब ओपन करेंगे अपने डैशबोर्ड पे स्क्रीन पे तो आपको यहां पे ऑप्शन दिखेंगे। देखिए, ओवरव्यू का ऑप्शन है, रीच का ऑप्शन है, एंगेजमेंट का ऑप्शन है, ऑडियंस का ऑप्शन है और रेवेन्यू का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स कितना होना चाहिए, क्या आपकी वीडियो का वॉच टाइम जो आता है अगर वो एक्सटर्नल से आ गया तो कोई दिक्कत होती है क्या। देखिए, यहां पे आपको रीच में क्लिक करना है और यहां पे मैं आपको प्रेजेंट मेरा जो है यहां पे देखिए लास्ट 28 डेज का है, मैं यहां पे लास्ट 28 डेज ही रखता हूं और उसका जो ट्रैफिक सोर्स है, जो वॉच टाइम आ रहा है मुझे, एंगेजमेंट आ रहा है, वो कहां से आ रहा है आज की वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मेरा जो एक्सटर्नल सोर्स आ रहा है वो आपको यहां पे देख सकते हैं। देखिए, मेरा एक्सटर्नल सोर्स कहां से आ रहा है यहां पे आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब ये होता है, देखिए 7.9% मेरा एक्सटर्नल आ रहा है। अब वो कहां से आ रहा है, देखिए आप ये देख सकते हैं, लास्ट 28 डेज की बात कर रहे हैं हम यहां पे। यहां पे अगर हम पूरी ये जो 7.9% है ये कहां से आ रहा है मुझे, आप भी अपने एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं। गूगल सर्च से जो है 27.8% आना, यानी कि मेरी जो यूट्यूब जो मेरा चैनल है, जो मेरे चैनल के ओवरऑल वीडियो से उसको लोग जो है गूगल सर्च से ज्यादा देख रहे हैं। व्हाट्सएप से भी जो मैं शेयर करता हूं तो 8.5% देख रहे हैं और सिर्फ गूगल से जो है 2.5% देख रहे, फेसबुक से 2.1% देख रहे, याहू सर्च से 0.7% देख रहे, अभी सीमोर में भी जाके और देख सकते हैं आप एक्सटर्नल। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सटर्नल सोर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.9% है। ये जो 7.9% एक्सटर्नल है ये 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई वीडियो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो वहां के पूरे जो है 99 मेंबर सिर्फ वहां से आ रहे हैं और सिर्फ 1% जो है यूट्यूब ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। आपको ऐसा नहीं करना है, 50-50 रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये 7.9% है, बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे 50 से ज्यादा एक्सटर्नल नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 50 से ज्यादा एक्सटर्नल आ जाएगा तो आपका वॉच टाइम जो है वो सिर्फ जो है सोशल मीडिया से आ रहा है और ये यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे और वो जो है पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ यूट्यूब प्लेयर से जो है आपके ऑर्गेनिक सोर्स आए, ऑर्गेनिक ऑडियंस आए और सिर्फ वहां से आपके वीडियो को देखा जाए। ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक्सटर्नल वॉच टाइम जो है आपको, ट्रैफिक जो है यहाँ से 7.9 है, इसको 50 से आगे नहीं बढ़ाना है। दोस्तों ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ की वहां की बात नहीं बोल रहा हूं। देखिए, ये एक्सटर्नल सोर्स आप देख सकते हैं, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, जब बोले आपका दिल, आप अपने एनालिटिक्स ऑप्शन में जाके ये चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और कई तरह का जो है वॉच टाइम मुझे दूसरी जगह से भी आ रहा है, सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है 5.3%, यूट्यूब सर्च से देखिए मेरा जो चैनल का वॉच टाइम है वो बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आपके लिए, आपके चैनल के लिए बहुत ही बेहतर है, 63.4% जो है यूट्यूब सर्च से आ रहा है, तो ये बहुत ही बेहतर है। दोस्तों आपको ये चैनल को ऐसे ही रखना है, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट लगा के भी वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। देखिए 0.1% अभी प्लेलिस्ट लगाया हूं मैं, तो यहाँ पे आपके जितना भी ये वॉच टाइम आ रहा है ये आपको देखते रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, YouTube सर्च से 63.4% आ रहा है, एक्सटर्नल 7.9% आ रहा है। ये वॉच टाइम आपको 50 से ज्यादा नहीं करना है। आप अपनी वीडियो को जितना चाहे उतना फेसबुक से शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है 99% जो आपके व्यूवर्स है वो सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बल्कि यूट्यूब से भी आना चाहिए। दोस्तों 50% वहां पे, 50% यहाँ पे आपको ये करना है। दोस्तों ये अगर आपके चैनल पे रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़ फीचर 6.2% है, सजेस्टेड वीडियोस जो YouTube मेरे वीडियोस को सजेस्ट कराए वो 5.3% है, अदर जो है 10.7% है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल होता है दोस्तों, जो भी एक्सटर्नल आपके वॉच टाइम देखा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से वेबसाइट्स, कौन से ऐप्स यहाँ पे देखा जा रहा है आपका वॉच टाइम और ये परसेंटेज है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, टेक्निकल कामरान जी को इजाजत दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेगी। अगर आपको कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन पे भी, आप यूट्यूब से रिलेटेड मैं कई तरह के वीडियोस वहां पे अब तक अपलोड कर दिया हूं आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, टेक्निकल कामरान जी को इजाजत दीजिए, जय हिंद दोस्तों।